वजीरे खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीर में भारतीय हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक वजीरे खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि भारत ने हत्थी कश्मीरियों पर ताकत का इस्तेमाल 7 दहाइयों से करता आ रहा है। ताकत के इस्तेमाल से ये मसला हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में भारतीय हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हिकमत अमली नाकाम होने की आवाजें भारत के अंदर से उठ रही हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत ने यक तरफा कवानीन से कश्मीरियों की आवाज को दबाना चाहा। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीरियों पर ढाए गए मुजालिम की मिसाल नहीं मिलती। भारत वक्ती आवाज दबाने में कामयाब तो हो सकता है, मगर मसला हल नहीं होगा। वजीरे खारजा ने मजीद कहा कि भारतीय इकदामात की वजह से आज कश्मीरियों में इश्तियाल पाया जाता है। मकबूजा कश्मीर में आजाद कश्मीर का परचम लहराया जा रहा है। कश्मीरी शहीदों को पाकिस्तानी परचम में लपेटकर दफन किया जा रहा है। कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर का मसला हर फोरम पर उठाते रहेंगे। आज आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर को जेर बहस लाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वजीर आजम 25 तारीख को जनरल असेंबली में खिताब में मसला कश्मीर पर बात करेंगे।